ऐसे रोजगार की जानकारी दे रहे हैं जो कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ी सहायता कर रहा है। हम बात कर रहे हैं, रोजमर्रा की जरूरत बन चुका, जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मास्क की। तो आज हम जिस जगह आपको लेकर आए हैं, यहाँ पर मास्क बनते हैं, खादी के मास्क बनते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से ये मास्क बनाए जाते हैं और इसको बनाने का क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से ये मार्केट में सप्लाई हो रहे हैं और कितनी इसकी डिमांड बढ़ गई है। मास्क बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है उसकी कपड़े का, खादी का कपड़ा होता है, उसकी मार्किंग की जाती है। आप देखिए यहाँ पर ये खादी का कपड़ा है और इसकी ये मार्किंग करें हैं और लगातार बराबर चौखाने में ही मार्किंग हो रही है। 10.5 और 8.5 का मेजरमेंट है। अब इसके बाद में ये एक कटर है इनके पास में और इससे ये इसकी कटिंग हो रही है और जहाँ पर इन्होंने मार्किंग करी है उसी में जो निशान लगाए उसके अकॉर्डिंग इसको काट रहे हैं, ये कटर है। मास्क बनाने का दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है स्टिचिंग का। आप देख सकते हैं हम जिस जगह खड़े हुए हैं यहाँ पर ये मशीनें लगी हुई हैं, ये कई तरह की मशीनें हैं और यहाँ पर कटे हुए जो मास्क हैं वो आ गए हैं और उनकी सिलाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि मास्क पर पाइपिंग लगाई जा रही है। अच्छा लुक देने के लिए, ताकि हमारे इसमें फैंसीपन आए और इस वजह से हम इसमें पाइपिंग लगा रहे हैं। ग्रीन कलर के मास्क रखे हुए हैं, ये ग्रीन कपड़ा है कॉटन का, खादी का, इसके यहाँ पे मास्क हैं और ये यहाँ पर कुछ अलग तरह से सिल रहे हैं। ये लास्टिक वाले मास्क हैं हमारे, इसमें स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं, पहले प्लेट पड़ती हैं दोनों तरफ, उसके बाद लास्टिक लगती है एक तरफ, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग दूसरी तरफ लास्टिक जड़ते हैं उसमें। देखिए तो ये इस तरह के ग्रीन कलर के ये मास्क हैं, ये आपने देखा होगा कि ज्यादातर इनको डॉक्टर्स वगैरह या स्वास्थ्य विभाग के लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखिए एक और जापानी मशीन है, ये 31 मशीन है और इसका काम ही है कि ये बहुत सफाई से ये काम करती है। प्लेट्स वगैरह देखिए बहुत ईजिली इसमें पड़ रहा है। कटिंग और स्टिचिंग के बाद जो मास्क का फाइनल स्टेप आता है वो आता है फिनिशिंग का। फिनिशिंग में उनके कोई थ्रेड्स वगैरह निकले होते हैं या कुछ है तो उसकी वो फिनिशिंग करी जाती है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये तैयार बने हुए मास्क रखे हुए हैं, ये कलरफुल मास्क हैं सारे, ये खादी के हैं और ये इस तरीके के कलरफुल हैं। इसके बाद हम फाइनली स्टेप जानेंगे कि मार्केट में किस तरह से इसकी सप्लाई होती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तरुण ग्राम्य विकास संस्था के ओनर, आइए उनसे पूछते हैं कि ये रोजगार करने की इस तरह से और इस रोजगार में क्या उन्होंने पैसा लगाया, किस तरह से शुरू करा। कोरोना के इस काल में मास्क एक मूलभूत आवश्यकता बन चुका है, जिस प्रकार से हम और वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो उसी तरह मास्क एक मूलभूत आवश्यकता बन चुका है। इसका बेसिक रॉ मटेरियल तो खादी का कपड़ा होता है जो हाथ का कता हाथ का बुना होता है और हाथ का कता हाथ का बुना होने की वजह से काफी आरामदायक होता है। इसके अलावा फिर हमें मशीनों की जरूरत पड़ती है, कटर वगैरह 6,000 रुपए के आसपास होता है और सिंगल निडल मशीन 18,000-19,000 के आसपास आती है। इसमें आप नॉर्मल मशीन भी यूज कर सकते हैं, इसका ये काम आप कम से कम 4 से 5 लोगों को लेकर के शुरू कर सकते हैं। इस काम की शुरुआत के समय करीबन 2.5 लाख रुपए की मशीनें हमारी लगी थी और 50,000 रुपए का रॉ मटेरियल लगा था, लगभग 3 लाख रुपए से हम लोगों ने शुरुआत की थी। शुरुआत में पूरे दिन में हम 10 से 15 मास्क बना पाते थे और फिर बाद में इस समय हम इस स्टेज पे आ गए कि करीबन हम 2,000 मास्क पर डे का प्रोडक्शन कर लेते हैं और इस काम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीबन 200 लोगों को रोजगार का लाभ मिल रहा है। एक मास्क हमारा ये साधारण वाला हमारा करीबन 12 रुपये का पड़ता है, कम्प्लीट फिनिशिंग करने के बाद में हम इसको 15 से 18 रुपये तक हम सेल आउट कर देते हैं। में डीके पांडे जी जो तरुण ग्राम समिति के संस्थापक हैं और इन्हीं ने जो रोजगार शुरू किया है, एक बहुत ही छोटा रोजगार है, इससे 10 से 12 लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और कोरोना काल में ये आज भारत की एक बहुत बड़ी डिमांड भी बन चुका है। इसके अलावा ये आत्मनिर्भर बनने के लिए भी जो ये रोजगार है मास्क का वो सहयोग कर रहा है। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।